गाइस देख रहे हो ना यार, महादेव का तोड़ा ध्वज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे अचानक से कौन सी न्यू जगह में पहुंच गया है। तो भाई मेरे ठीक सामने देख रहे हो ना, ये बहुत अच्छी अच्छी हरियाली और यहाँ पे ठीक बहुत ओल्ड एज वाले घर है, पुराने वाले। और आगे से कौन जा रहा होगा, फिलहाल सोचो आगे से कौन जा रहा है। दिखाए आपको आगे से कौन जा रहा है। आगे से जा रहा है कौन जा रहा है तुम्हारे आगे से कौन जा रहा है मैं जा रहा हूँ। कौन जा रहा है, नाम क्या है? मैं जा रहा हूँ, रोहित। रोहित, तो भाई अपना रोहित भाई के घर पहुंच गया था अचानक से। आपने सोचा होगा कि ये घर पहुंचा, घर पहुंचने का ये रोहित दा गया कैसे पहुंच गया ऑफिस से। तो भाई हमारा कुछ नया प्लान स्टार्टअप हो रहा है और अभी हम आ चुके हैं इनके खेतान में। तो खेतान बहुत लंबे लंबे पता नहीं। तो गाइस चलते चलते भाई ने ना वहाँ से मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर चलाते चलाते मैंने बोला किसके खेत है, तो भाई बोला सारे अपने ही तो है। मैंने बोला तुम्हारे, बोला और क्या, फिर अपने खेतों में चलते, दूसरों के खेतों में थोड़ा ना चलते है। तो भाई मतलब खेती वेती यहाँ पे सांड वाट की कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब बढ़िया यार। हमारे वहाँ तो भाई लोग ताड़ वाड़ लगा के रखते तभी भी सांड अंदर घुस जाते हैं। मतलब यहाँ को सांड छोड़, यहाँ हम ही सांड है, यहाँ पे मतलब सांड छोड़ना पड़ेगा। सांड चालू कर दिया वो, देखो भैया डायरेक्ट बिंदु खत्ता के मम्मी देखेगी तेरे को। वैसे बिंदु खत्ता ज्यादा मजा यहाँ आ रहा होगा ना अभी जो किया है तुमने आज जो होने वाला ब्लॉग में देखो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, मेरा पूरा उल्लू काटा गया है। मेरे को 50 किलोमीटर से वापस बुलाया गया, मतलब बुलाया गया है, उसके बाद दोबारा वही लेके जा रहे हैं। सब माता था, हम चलते किसी और के पास। यार देख लो ना मैगी वैगी खाने के बाद ना भाई अब चल दिए भाई दुकान। कौन कौन जा रहा है देखो, मैं जा रहा हूँ, रोहित दा जा रहे हैं, बाकी मैं अपनी साइकिल के पीछे बैठ के देखता हूँ कि बैठा जाएगा नहीं जाएगा ये, क्योंकि 50 किलो का झेलता है और मैं हूँ 70 किलो का। तो भाई रेडी हो हर हर बोले। तो दोस्तों मेरा ना सुबह मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया था मेरा पूरा का पूरा उल्लू कटा है। तो कोई नहीं, अभी चल रहे यहाँ से हल्द्वानी जाएंगे हम। पहले काला डूंगी यहाँ से 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर भाई देख रहे हो ना पीछे कितनी बड़ी बस आ रही है, इतनी बड़ी बस आ रही है देख रहे हो भाई, देख रहे हो ना किस लेवल का हाईवे है। सुबह सुबह कांड हो गया था। तो गाइस यार कम से कम 1 से 1.5 घंटे चला दिए साइकिल और अभी कुछ 1.5 घंटे में भाई हमने 22 किलोमीटर खींचा यहाँ से। तो भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बढ़िया। तो गाइस यार बहुत देर के बाद ना एक भारी भीड़ वाली इलाका आ गया है। फिलहाल अभी बहुत ये कट मारने वाले बड़े खतरनाक लगते हैं मेरे को, और कुछ नहीं। चलो चलते हैं यार यहाँ से, कोई नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से यार। यार देख रहे हो ना कितनी भीड़ हो रखा है और हमें साइकिल में और लगातार अभी तक चल रहे हम। फिलहाल अभी बहुत आ रहा है मजा, क्योंकि अभी हम 2 लोग नहीं, 1 लोग नहीं, हमें 4 लोग। तो भाई मजा आ रहा है, इतनी मेहनत के बाद, इतना कुछ करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन। देख रहे हो ना कितना बड़ा उल्लू कटा है मेरा। मेरे घर में भी बड़ा वाला, मतलब जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जंक्शन है लाल कुआ, तो वहाँ रहता हूँ मैं और मेरे को बुलाया गया था दबोला। मेरा काटा था बहुत बड़ा वाला। सो गाइस यार फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए, नॉर्मल टिकट यहाँ मिलेगी। तो गाइस जैसे कि यार अपने लालकुआ में पार्सल ऑफिस है और उसके जैसे ही एक काड़ूधाम में है मेन जो देहरादून हरिद्वार वाली ट्रेन है तो यहाँ से चलती है और ये वाले रेलवे स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रुकती है। तो 2 मिनट वाले वहाँ पे नहीं होता है, मतलब 2 मिनट जहाँ पे रुकती है तो वहाँ पे पार्सल ऑफिस नहीं होती, जहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा रुकती है उससे अधिक रुकती है वहीं पे पार्सल ऑफिस मिलेगा आपको। तो मैंने आपको बता दिया है, तो पार्सल ऑफिस कब तक खुले रहता है, 5 बजे तक खुले रहता है। और चप्पल में मजा नहीं आ रहा है भाई, मेरे चप्पल में मजा आ भी नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, बहुत सारा अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा। यार पिछली बार ना हुआ यू था कि भाई अपने
साहिल भाई से जब मिले थे ना, वीडियो में था लेकिन फोटो में कन्वर्ट हो गया था, उस समय कन्वर्ट फोटो में हो गया था तो फोटो खींच गई थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी। तो भाई गौरव भाई से मिल चुके हैं। लक्स किधर है भाई? अभी वो भी रास्ते में मिलेंगे तुम्हें। अच्छा अच्छा, मैं अब याले रास्ते में मिलेंगे? रेलवे स्टेशन में यहाँ पे बुकिंग करवाऊंगा, साइकिल खिंचवा रहा हूँ इसको वहाँ तक, फिर वहाँ से चला के लाएंगे। चलो ठीक है, चलो ओके ओके ओके, सेफ जर्नी आराम से। चलो ठीक हो गया, ओके चलो ठीक है। तो मैं पहुँच चुका था यार पार्सल ऑफिस अपने काठगोदाम में, और बड़े यार के यहाँ से 4:10 में पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे, और देखते हैं भाई लोग कब तक पहुँचते हैं। दो तो पहुँच गए थे, दो लोग अभी और बाकी है, बाकी पार्सल ऑफिस से बुक कराते हैं अपनी साइकिल और निकलते हैं यार हरिद्वार की ओर को। बाहुबली। सो गाइस, जैसे कि यार अपनी साइकिल वाइकिल बुक कर दी थी और बढ़िया यार कि अभी रेलवे स्टेशन का अब ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली गाइस, अपने लोग रोडवेज में पहुँच चुके हैं, और रोडवेज में पहुँचने के बाद ये देख रहे हो गांधी जी के 3 मंदिर, और भाई फाइनली निकल चुके हैं यार। सो गाइस, अपने लोग पहुंच गए थे फाइनली यार जनरल वाले डिब्बे में हरिद्वार। तो भाई अपने ठीक सामने भोले बाबा जी है, इनका आशीर्वाद लेके निकलते हैं यहाँ से। बड़े यार के बढ़िया हो, बढ़िया हो, बढ़िया हो, बढ़िया हो भोले बाबा, हर हर महादेव। तो दोस्तों यार ना फाइनली ना अपना बैग की जो चैन थी ना भाई, चैन भी सही करवा दे रहे, साथ ही साथ भाई अब सही रहेगा ना, अगर चैन सही हो जाएगी तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, और आगे वाले को भी चला देंगे, पीछे वाले को भी चला देंगे। तो चलते हैं हर की बॉडी हरिद्वार, साइकिल दान करते हैं बड़े यार के, और अपने 3 स्टार्स यहाँ पे खड़े हैं। देख रहे हो ना यार महादेव का तोड़ा ध्वज, और इतनी बड़ी बड़ी कावड़े लेके जा रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा यार, मजा आ गया। सो गाइस, हमारा रोहित पहाड़ी खो गया है, और रोहित पहाड़ी को ढूंढने के लिए हमें अलग अलग होना पड़ेगा। अरे रोहित पहाड़ी तो यहाँ पे मस्त मगन है, छोड़ बनाएंगे बनाएंगे। तो आपने गलत खड़ा तो बोलूंगा ना मैं, जरूर बनाएंगे। यार फाइनली अब ना स्नान करने का ना समय आ चुका है, और अब हम स्नान करेंगे वो भी बहुत अच्छी जगह में। तो कभी भी आप आओ ना, तो कोई भी जगह से सबसे अच्छी सेफ जगह यही वाली जगह है, तो यहाँ पे करना स्नान। बढ़िया करके अभी चलते यार यहाँ से अपनी साइकिलें उठवाने, और साइकिल भी लेनी है, और साइकिल में जाएंगे हम वापस, कुछ 300 किलोमीटर है। चल चल, चलते हैं डुबकी मारने के लिए, और 1, 2, 3 पानी के अंदर। फाइनली ना अपने लोगों ने ना स्नान कर लिया है, अब मिलते हैं यार अपने एक कावड़ को उठाने के समय में। फिलहाल अभी बना लेते थोड़ी सी रील शॉर्ट। ठंडा बहुत है, कैसा लगा? ठंडा भाई, तुझे कुछ नहीं हो रहा? सो गाइस फाइनली देख रहे हो ना, हमने गंगा आरती भी कर ली है, और जो जो मंत्र देखे आपने हमने साथ पढ़े रोहित दा और मैंने। फिलहाल आप भी अपने कपड़े भी सूख गए बढ़िया हेयर के, जब तक ये नहा रहे थे, तो अब इनको सुखाना पड़ेगा। तो चलते यार, फाइनली अपन लोगों ने नहा लिया है, तो भाई अभी चल रहा है फोटोशूट। ठीक मेरे सामने रोहित पहाड़ी और भास्कर कर रहे हैं, और हिमांशु भाई ने यहाँ पे सेटअप कर दिया था बुरा का बुरा, थैंक यू हिमांशु भाई। तो भाई अगले महीने, अगले 2 या 3 महीनों में हिमांशु भाई के यहाँ पे 2-3 स्टार दिखेंगे, भले ही अभी फिटनेस सही नहीं है लेकिन फिटनेस में भी जोड़ देंगे, तो कोई नहीं। हिमांशु भाई 2 स्टार वाली कर रहे हैं, 3 स्टार वाली? भाई मैं सच्ची में यार रियल बोल रहा हूँ, कुछ 2 महीने बाद। ओ गाइस यार, हम फाइनली गंगा स्नान कर चुके थे, हमने आशीर्वाद ले लिया है गंगा माता का, साथ में हमारे हनुमान जी भी यहाँ पे है, जैसे कि हर मंदिर में होते ही है। तो ये जो यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हुई है ना, तो सारे मंदिर तो ठीक, हमारे सामने है श्री गंगा मंदिर, और आदि गुरु श्री शंकराचार्य का मंदिर वहाँ पे बनाया गया है। तो हर हर महादेव।